हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। कई बार मन में ये आता है कि मैम, ये जो सी एस है, कंपनी सेक्रेटरी है, उनका क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, मीन्स सी एस करने के बाद ये क्या काम करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो, अगर आप सी एस स्टूडेंट हो और आप सी एस करने के लिए सोच भी रहे हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। उसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे सी एस क्या काम करता है। सीएस के काम की अगर हम बात करो, जब एक पर्टिकुलर पर्सन सीएस क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके सामने दो रास्ते नजर आते हैं। एक, वो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, और दूसरी, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकता है कंपनी। अब हम पहले मुद्दे पे बात करते हैं, मैं बिल्कुल आम भाषा में समझा रही हूँ। वैसे मैं लॉ की फैकल्टी हूँ, सीएस में काफी लंबे अरसे से सीएस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल आम भाषा में बात करूंगी। कोई सेक्शन या प्रोविजन की बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि सीएस जो है, जब दो रास्ते नजर आते हैं सीएस करने के बाद, एक होता है जॉब और एक होता है अपनी प्रैक्टिस। अगर अपनी प्रैक्टिस में आप जाते हो, तो अपनी प्रैक्टिस में जाने के बाद क्या क्या काम करने को मिलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ऑल ओवर इंडिया किसी को भी कंपनी बनवानी है, तो वो बिना कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर के, कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प के आप बना ही नहीं सकते। तो जो भी कंपनी बनती है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास। तो इट मीन्स अगर आप प्रैक्टिस में हो, तो आपके पास बहुत सारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आएंगी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ दो कंपनी अगर आपस में मिल रही हैं, जैसे मर्जर बोलते हैं, उसके लिए भी आपको पीसीएस की मदद लेनी पड़ेगी। कंपनी अगर कंपनी का पार्टीशन हो रहा है, तो भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की मदद लेनी पड़ेगी। और हमारे देश के अंदर जो कंपनी लॉ एक कानून है, जो सभी कंपनीज के ऊपर लागू होता है, उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, कुछ साइनिंग की जरूरत होती है, जो कि वो भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। उसी के साथ साथ आप दूसरी तरफ हम बात करते हैं, वैसे बहुत सारे काम है, अनलिमिटेड काम है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डीप में ना जाके एक जस्ट ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। अगर सीएस कंपनी में होता है, तो एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे कानून एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कंपनी लॉ एप्लीकेबल होता है, लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उसी कंपनी में इकोनॉमिक लॉज लगते हैं, बिजनेस लॉज लगते हैं। अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, तो प्रॉपर्टी लॉज की नॉलेज होना जरूरी है। कंपनी उसी के साथ साथ अगर कंपनी के किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्रिमिनल लॉ की नॉलेज होनी जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। एनवायरमेंटल लॉज की नॉलेज होना जरूरी है। इट मीन्स तमाम ऐसे बहुत सारे कानून हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो एक कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। तो उन तमाम कानून की जो नॉलेज है, वो एक कंपनी सेक्रेटरी को होती है। सो कंपनी सेक्रेटरी जब कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, तो कंपनी सेक्रेटरी की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो होती है कि जो तमाम कानून कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, उनका अनुपालन, उनको पालन करना, और उसकी उसके लिए सबको एक्सपोजर देना। इट मीन्स कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी सेमिनार करता है, अपने छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल के साथ कंपनी में डिस्कशन रहता है किस तरीके के प्रोविजंस है। और अगर देखा जाए, तो कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाइंस ऑफिसर भी बोला जाता है। कंप्लाइंस ऑफिसर मतलब जितने भी लॉज कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, वो कंप्लाई करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो एक कंपनी सेक्रेटरी की होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी के काम की अगर हम बात करें, जैसे आरओसी का वर्किंग है, अब आपने आरओसी अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। कंपनी को जो सर्टिफिकेट देती है कंपनी बनने का, वो आरओसी देती है। तो आरओसी को समय समय पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से फाइल की जाती है, उसका काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंपनी होती है, तो उसमें मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग का अरेंजमेंट करना, मीटिंग कंडक्ट कराना, कंडक्ट करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है, वो आरओसी को फाइल करना, ऐसे बहुत सारे लॉ के प्रावधान होते हैं, जो कि कंपनी सेक्रेटरी को पालन करने होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, अगर क्रक्स में बताऊं, तो कंपनी सेक्रेटरी अगर जॉब में है, तो एक टॉप क्लास ऑफिसर माना जाता है, कंप्लाइंस ऑफिसर माना जाता है। उसी के साथ बच्चों, अगर आप कर रहे हो सीएस और आप सर्च कर रहे हो एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप हमारी कोचिंग क्लासेस के डेमो लेक्चर्स जरूर देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो सीएस में, हमारी कोचिंग, सबसे बड़ी बात, हमारी कोचिंग ओनली फॉर सीएस, जो कि दिल्ली के अंदर है, लेकिन लाइव क्लासेस ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर रही है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप सीएस करना चाहते हो, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा, और इस सपने को पूरा करने में मदद करेगी सीएस प्रीति सिंह क्लासेस। तो आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सीएस प्रीति सिंह क्लासेस के डेमो लेक्चर्स जरूर देखिए, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप अभी सीएस करने का मन बना रहे हो और क्लास 12th आपने पास करी है, तो उस पहले लेवल को बोलते हैं CSEET। उसकी हमारे यहाँ पे फ्री क्लासेस हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप है, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें लिंक आपको नजर आएगा, हाउ टू एसेस सीएस प्रीति सिंह क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 30 दिन की प्रिपरेशन है, वो आप स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हो। टेस्ट वगैरह आप वहीं से ही दे सकते हो। उसी के साथ साथ बच्चों, आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर आपको अच्छी लगी, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फर्दर डेली बेसिस इस चैनल पर आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, वो भी सिर्फ सीएस से कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल।